दोस्तों जी है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी A52, जिसके दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे फीचर बताऊंगा जो काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। जो लोग सैमसंग का डिवाइस यूज करते हैं उनके लिए दोस्तों ये जो फीचर है वो काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो पहला फीचर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें कॉल रिकॉर्डिंग करना पसंद होता है, तो आपको कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर आना है और सेटिंग पर जाना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है रिकॉर्ड कॉल, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल पर आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपके फ़ोन में जितने भी कॉल आएंगे आप जिनके पास भी आप कॉल करते हो वो सारे कॉल ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन के अंदर, क्योंकि आप जितने भी कॉल रिकॉर्ड करते हो सामने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा कि आप उनकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। अगला फीचर दोस्तों कॉल वाले ऑप्शन के अंदर ही, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कॉल बैकग्राउंड। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने नंबर पर दोस्तों देखिए बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, आप तरह तरह के बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। आपके फोन में कॉल आएगा तो इस तरीके से दोस्तों कुछ एनिमेशन आएंगे, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो या दोस्तों आप किसी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों काफ़ी तरह के एनिमेशन दिए गए हैं जिन्हें आप अपने पसंद के हिसाब से अपने फ़ोन में सेलेक्ट कर सकते हो। और अच्छा फीचर है दोस्तों ये जो सैमसंग के एम A52 में देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरा अगले फीचर की बात करता हूँ तो वो दोस्तों वाईफाई कॉलिंग, काफ़ी लोग होते हैं जिनको वाईफाई कॉलिंग सेलेक्ट करनी होती है अपने क्षेत्र में। तो दोस्तों वो इसमें ऊपर ही दिया गया है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वाईफाई कॉलिंग का, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक अच्छा फीचर है, क्योंकि काफ़ी डिवाइस में दोस्तों क्या होता है आपको सेटिंग के अंदर जाके ये फीचर इनेबल करना होता है, बट ये फीचर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन 12 में दिया गया है ऊपर से ही, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों अगले फीचर की बात करता हूँ मैं, तो वो है दोस्तों इसमें विंडो वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आपने जो विंडो है उसको छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आपको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जो रनिंग में चल रही है आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने का दोस्तों आप यहाँ से उसे ओपन पॉप विंडो या ओपन स्प्लिट सीक्रेट व्यू में क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए जी हमारी पॉप विंडो में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखिए आप यहाँ से इसे छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, तो आप इस तरीके से इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों इसमें ये अच्छा ऑप्शन दिया गया है, और आपको अगर इसे हटाना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये एक इसमें अच्छा ऑप्शन दिया गया है जो हमें सैमसंग के इस डिवाइस में देखने को मिलता है। अगला फीचर है दोस्तों सिक्योर फोल्डर का, काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपना डाटा अपने फ़ोटो वगैरह सिक्योर करने होते हैं तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, बट दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, आपको इसमें एक अलग से सिक्योर फोल्डर मिलता है हमें सैमसंग गैलेक्सी A52 में। आपको दोस्तों सिक्योर फोल्डर पर क्लिक करना है, और जब आप यहाँ से इसे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर कुछ जो परमिशन वाला वगैरह जो अलाउ करनी होती हैं, अलाउ वगैरह करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में एक नया फ़ोन ओपन होकर आ जाएगा, आपके फ़ोन में दोस्तों एक नया फ़ोन ओपन होकर आ जाएगा जिसमें दोस्तों आप अपने पर्सनल डाटा वगैरह को सेव कर रख सकते हो। और दोस्तों आपका जो भी डाटा है अगर आप इस फीचर को डिसेबल भी कर देते हो फिर भी दोस्तों आपका जो डाटा है इसमें सेव रहेगा, जब भी आप इसे इनेबल करोगे आपका डाटा इसके अंदर सेव मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर अपना डाटा सेव कर दिया और उसके बाद अपने इस फीचर को डिसेबल कर दिया तो आपका डाटा लॉस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो भी डाटा है जब भी आप फिर से उसे इनेबल करोगे इस एप्लीकेशन को तो आपका डाटा उसमें आपको सेव मिलेगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा फीचर दिया जाए इस फ़ोन के अंदर। अब दोस्तों अगला फीचर है इस फ़ोन के अंदर आई कम्फर्ट शील्ड का। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो रात में अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों इस फ़ोन में एक ऑप्शन दिया गया है आई कम्फर्ट शील्ड, जब आप इस फीचर को ऑन करते हो तो दोस्तों आपकी आंखों पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस फ़ोन का, जब आप इसे रात में यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके आंखों पर कोई लाइट पड़ रही है, आपको मोबाइल यूज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी रात के टाइम। तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से दोस्तों इस फीचर को सेट भी कर सकते हो कि आपको जो फीचर है जो कितने बजे तक चाहिए, अगर आप इसे ऑलवेज ऑन पे चाहते हो तो भी कर सकते हो, और आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो वो दोस्तों आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों एक अच्छा फीचर दिया गया है। अब दोस्तों अगला फीचर है दोस्तों इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लॉक स्क्रीन, दोस्तों आप देखिए लॉक स्क्रीन पर जब इस पर क्लिक करते हो तो हमारे डिस्प्ले पर दोस्तों कुछ सेकंड के लिए जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती है, जिसमें दोस्तों हमारे जो भी नोटिफिकेशन होती हैं वो सारी यहाँ पर शो होने लगती हैं, और टाइम वगैरह डेट वगैरह आती है जो 10 सेकंड के लिए आती है। तो दोस्तों आप इसको कैसे लगा सकते हो जो मैं आपको बताता हूँ। जी हमारे सैमसंग गैलेक्सी A52 में दिया गया है, आपको सिंपली दोस्तों सेटिंग में जाना है,
सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है दोस्तों, देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, ये वाला ऑप्शन। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आते हैं, टैप टू शो फॉर 10 सेकेंड। दोस्तों आप अगर 10 सेकेंड के लिए अपना ऑलवेज डिस्प्ले चाहते हो तो आप इस पर सेट कर सकते हो, जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया था। और अगर आप दोस्तों शो ऑलवेज पर करोगे तो जब भी दोस्तों आपके फोन की डिस्प्ले ब्लैक रहेगी तब तक दोस्तों आपके डिस्प्ले पे टाइम और नोटिफिकेशन शो होता रहेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। बट दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो फीचर है थोड़ा बैटरी ज़्यादा यूज करता है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगला फीचर दोस्तों क्लॉक स्टाइल का, आप अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर में अपने क्लॉक स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब मेरे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर लगा हुआ था, आप चाहो तो कुछ भी सेट कर सकते हो इस तरीके से दोस्तों, और इसे डन करके इस फीचर को यूज कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों इसमें एक अच्छा फीचर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें एक और फीचर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी A52 में, वो है दोस्तों एच पैनल का। आपने देखा होगा सैमसंग के दोस्तों जो काफ़ी महंगे डिवाइस होते हैं उनमें दोस्तों हमें एच पैनल मिलता है। दोस्तों इसमें ही मिलता है, देखिए जब इसे साइड से करते हो तो आपको यहाँ से एच पैनल मिलता है। और दोस्तों आप इस फीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करना है और दोस्तों अपने हिसाब से आप जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज करते हो वो इसमें से यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो और इस फीचर का दोस्तों यूज कर सकते हो। जो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी A52 में एच पैनल वाला। दोस्तों अगला फीचर है इस फोन में जो दोस्तों हमें सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी A52 में मिलता है, वो है दोस्तों वाटर रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन। दोस्तों इस फोन में हमें IP67 रेटिंग मिलती है, तो अगर आप इस फोन को पानी वगैरह में यूज करते हो कुछ टाइम के लिए तो दोस्तों इस फोन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों हमें IP67 रेटिंग मिलती है जो कि दोस्तों एक वाटर रेजिस्टेंस दोस्तों जो रेटिंग होती है वो होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इस फोन को बारिश वगैरह में या फिर दोस्तों पूल साइड कुछ टाइम के लिए यूज करते हो या दोस्तों आप इसे धो भी देते हो वाटर से, तो आपके फोन में दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दोस्तों ये एक ऑप्शन दिया गया है जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप फोनों में देखने को मिलता है। और दोस्तों इस फोन के फ्रंट में हमें कोरन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो भी दोस्तों इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। प्लस दोस्तों इसमें दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अगर इस फीचर की बात करें तो वो दोस्तों इसका डुअल स्टीरियो स्पीकर, एक स्पीकर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और दूसरा दिया गया है दोस्तों यहाँ पर ये वाला। तो दोस्तों आप इसमें डबल स्पीकर यूज कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया है डॉल्बी एटमॉस, आपको इसको ऑन करना है दोस्तों, आपको इसे ऑन कर देना है। दोस्तों जब इस फीचर को ऑन करते हो तो आपको इसे ऑटो पर सेलेक्ट करके डन कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपको म्यूजिक का जो साउंड होता है उसका काफ़ी क्लियरिटी साउंड सुनाई देगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है डुअल स्टीरियो स्पीकर, तो जो कि दोस्तों आपको A52 में देखने को मिलता है। अगले फीचर की बात करता हूँ दोस्तों, वो सेटिंग के अंदर आपको दोस्तों सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ दोस्तों आपको मिलता है थीम्स वाला ऑप्शन। आप दोस्तों यहाँ से थीम्स में जब जाओगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों आप गैलेक्सी थीम से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको एक सैमसंग का ये थीम्स वाला ऑप्शन है, वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको तरह तरह की थीम्स देखने को मिलेंगी। आप चाहो तो यहाँ से अपनी थीम चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर दोस्तों यहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो, और दोस्तों आप यहाँ से आईकॉन भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहो, आप चाहते हो कि आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अच्छे अच्छे फीचर आएँ, तो दोस्तों आप उसके लिए भी यहाँ से अच्छे अच्छे फीचर उनके लिए डाउनलोड कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपको सैमसंग के गैलेक्सी A52 में अलग से एक एप्लीकेशन दी गई है गैलेक्सी थीम नाम से, उसमें दोस्तों आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब आप यहाँ से प्रीमियम डाउनलोड कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए यहाँ से आपको पैसे देने पड़े, आप काफ़ी सारे फीचर यहाँ से प्रीमियम भी डाउनलोड कर सकते हो जो दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 में देखने को मिलते हैं। अगले फीचर की बात करता हूँ दोस्तों, तो वो दोस्तों नोटिफिकेशन बार के अंदर, आपको नोटिफिकेशन में जाना है सेटिंग के अंदर। नोटिफिकेशन में जाने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है ब्रेक पॉपअप सेटिंग, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो हमें दोस्तों नोटिफिकेशन टाइप से एक स्टाइल मिलती है, जैसे अगर आपका फोन लॉक है तो आपके फोन पर इस तरीके से नोटिफिकेशन आती है जिसमें दोस्तों आपको दिख जाता है कि आपके फोन पर किस चीज़ की नोटिफिकेशन आई है। तो आप चाहो दोस्तों तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हो इस तरीके से, दोस्तों देखिए ये कुछ बबल्स उठ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप इस तरीके से लगा सकते हो ये देखिए। तो आप चाहो तो इस तरीके से इसमें एनिमेशन डाल सकते हो और इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे दोस्तों आपको फोन देखने में और भी ज़्यादा कूल लगेगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर दिए गए हैं इस फ़ोन के अंदर जो हमें इस फ़ोन को देखने में काफ़ी अच्छा लग दिखाते हैं। अगले फीचर की बात करूँ दोस्तों, तो वो है दोस्तों आपको डिस्प्ले पर क्लिक करके रखना है,
यहाँ क्लिक करने दोस्तों आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा नीचे। यहाँ आने का दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा दोस्तों देखिए हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप दोस्तों यहाँ से कोई सी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो अपने फ़ोन में। बट दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई लॉक लग जाएगा। आप सिर्फ हाइड कर सकते हो और जब आप उसे चाहो फिर से उसे अनहाइड कर सकते हो उसी सेटिंग के अंदर आके। तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया है, अगर आपको कोई अपनी एप्लीकेशन है जिसे हाइड करना है तो आप इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर सेटिंग में आके टच करना है आपको और नीचे आके डन कर देना है, वो एप्लीकेशन दोस्तों आपके मोबाइल में हाइड हो जाएगी, फिर वो दोस्तों नहीं दिखेगी। अगर दोस्तों आपको दोबारा यूज करना है तो आपको फिर से वही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। आपको डिस्प्ले पर आना है, क्लिक करके रखना है, सेटिंग में आना है और हाइड वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए ये हमारी एप्लीकेशन हाइड है जिस पर जो जो निशान लगा हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है और डन कर देना है। तो जो आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनहाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे वो कुछ फीचर जो मैंने आपको इस फ़ोन में दिखाए हैं। बाकी दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, बट दोस्तों जो भी फीचर मैंने आपको बताए हैं ये फीचर ऐसे हैं जिनको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं और अपने यूजेज में लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक उसे जरूर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।